हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गोल्डफिश एक्वेरियम या किसी भी एक्वेरियम की क्विक क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। ये 15 मिनट लगेगा आपको इसको करने में। आसानी से आप मेंटेन कर सकते हैं अपना एक्वेरियम इसी मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं अपन अंडर ग्रेवल क्लीनिंग से। अगर आपके पास ग्रेवल्स हैं तो आप ऐसे क्लीन कर सकते हैं। ये एक अंडर ग्रेवल क्लीनर आता है, एक आप उसको बाय कर सकते हैं या तो फिर घर में बना सकते हैं। ये मैंने घर में बनाया हुआ है और ये बहुत अच्छा काम करता है। और इससे आपका जो हैवी वेस्ट होता है या फिश फूड होता है जो ग्रेवल के अंदर फंसा हुआ होता है, वो आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप अपने एक्वेरियम का वाटर निकाल सकते हैं। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप 70% से ज़्यादा वाटर चेंज एक बार में नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा पानी चेंज कर देंगे तो आपकी फ़िश मर सकती हैं। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है एक्वेरियम वाटर में, वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप पूरा फ्रेश वाटर डाल दोगे उसमें, तो जिससे आपकी फ़िश की डेथ हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए आप 70% ही चेंज कीजिएगा एक बार में या उससे कम। और आप एक बार में एक ही दिन वाटर चेंज और फिल्टर साफ, ये दोनों नहीं कीजिएगा। आप कुछ दिन का गैप रख लीजिएगा। जैसे अगर आपने फर्स्ट डे वाटर चेंज किया है तो आप 3 दिन के बाद उसका फ़िल्टर या स्पॉन्ज जो भी हैं आप क्लीन कर सकते हैं। आप एक ही दिन दोनों चीज़ नहीं क्लीन किएगा, क्योंकि उससे उसकी बेनिफिशियल बैक्टीरिया एकदम से बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद आप एक रेजर ब्लेड ले सकते हैं या कटर ले सकते हैं, थर्माकोल कटर होता है जो उसकी ब्लेड, उससे आप एक्वेरियम अपना अंदर से क्लीन कर सकते हैं। जो भी इसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है या जो भी एल्गी इसमें ग्लास में बन जाती है, उसको आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और यूज़ करना भी नहीं चाहिए कोई केमिकल अपने एक्वेरियम के अंदर। आप आसानी से ब्लेड से क्लीन कर सकते हैं पूरा अपना इनसाइड एक्वेरियम। और इसी के साथ साथ आप अपने एक्वेरियम में पानी फिल करते जाइएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो वाटर आप यूज़ कर रहे हैं वो सेम हो, ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस ना हो, और उसका टेम्परेचर मेनली ध्यान रखिएगा कि सेम रहे। अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा वाटर में तो आपकी फिशेस स्ट्रेस में आ सकती हैं और उनकी डेथ हो सकती है। इसलिए आप पहले वाटर देख लीजिएगा कि दोनों नया फ्रेश वाटर और ओल्ड वाटर दोनों का टेम्परेचर सेम हो। आप अपने एक्वेरियम के बाहर के ग्लास के लिए न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए। और ग्लास क्लीनर अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्लास क्लीनर यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी उसकी थोड़ा सा भी ग्लास क्लीनर आपके वाटर में मिक्स ना हो, क्योंकि उससे फिशेस की डेथ हो सकती है। आप नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। अगर कोई भी केमिकल आपके एक्वेरियम के अंदर चला जाएगा क्लीनिंग करते टाइम, तो आपकी फिशेस को हार्म हो सकता है, उनकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि आप नॉर्मल वाटर और न्यूज़पेपर से ही क्लीन कर दीजिएगा, वो इनफ होता है। और बस इसमें आपको 15 मिनट लगेगा पूरा क्विक मेंटेनेंस करने में। अगर आप वीकली मेंटेन करेंगे तो ये और आसानी से आपका मेंटेन हो जाएगा एक्वेरियम। चलिए, यही थी मेरी वीडियो। थैंक यू।